हफ्ते को जो जिक्र कर रही, इस जिक्र के से पहले तुम्हारी हालत कैसी थी, जिक्र के बाद अब तुम्हारा कितना फायदा हुआ जिक्र का, बोलो अशरफ। कुरान याद करने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती थी, अब आसानी से सबक सब याद हो जा रहा तुम्हारा। तुम्हारा क्या है? अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज्जज़ सामईन, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर हफ्ते की तरह इस हफ्ता भी जिक्र की मजलिस में हम तमाम को शिरकत की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये सिलसिला क़ियामत तक जारी व सारी फरमाए। देखो, सूरज के एतबार से यानी लोग क्या करते हैं, अपने दिनों की तरतीब बनाते हैं। सूरज को देखकर क्या करते हैं, दिनों की तरतीब। हमारे यहाँ इस्लाम में क्या है, चांद को देखकर क्या करते हैं, महीने का मालूम होता है, दिनों का मालूम होता है। तो हम वो एतबार से महीने की तब्दीली होती है। चांद देखे तो उसने रोज़ा रखती, चांद देखे रोज़ा छोड़कर ईद कर दी। तो इस एतबार से अंग्रेज़ी हजरात क्या करते हैं, वो महीने की तरतीब जनवरी से शुरू करके दिसंबर को ख़त्म करते हैं। समझ मेरी बात? उनके न्यू ईयर कब है? जनवरी। लेकिन हमारा न्यू ईयर कब से शुरू होता है? मुहर्रम से। कब से होता है? इस्लाम का नया महीना यानी साल कब से शुरू होता है? नया साल मुहर्रम। तो वो महीना हमारा चल रहा है। समझ में आ रही है बात? पहले अपने अपने एतबार से लोग क्या करते थे, महीने की तरतीब दे लेते थे और साल कहाँ से एक एक लेंगे हिसाब से एक एक तरतीब रहती थी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में उन्होंने ये समझा कि एक महीना साल के शुरू का ये एक तरतीब देना चाहिए कि नया साल कब से शुरू हो, इसकी क्या हो, तरतीब हो। तो ये तरतीब देने के लिए नया साल कब से शुरू होना, मुहर्रम। हाँ, तो ये राय पूछे सहाबा से। हजरत उमर रजी अल्लाह, इधर देखो, हजरत उमर रजी अल्लाह क्या करे, सहाबा से राय, हर एक अपने अपने एतबार से राय पेश करे। अब वो राय पेश करे ना, वो राय में कोई बोले रबीउल अव्वल का महीना से शुरू करेंगे, क्यों करो, तो रबीउल अव्वल में अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उसी महीने में आपकी वफात भी हुई। समझ में आ रही बात? कोई बोले कि रमज़ान का महीना 1 का 70 है तो वो महीने से शुरू करेंगे, कोई बोले शाबान, इसमें शबरात भी एक रात आती है, वहाँ से शुरू करेंगे, कोई बोले भाई ज़िलहिज्जा है, हज के अय्याम उसमें आती हैं, हज उसी महीने में होता है, तो ज़िलहिज्जा, मुख्तलिफ राय हुई। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, मेरी राय यह है कि मुहर्रम के महीने को साल का पहला महीना करार दिया जाए। क्यों भाई? इसलिए कि मुहर्रम के महीने में बहुत बड़ी तारीख का ज़खीरा जमा हुआ है। मुहर्रम ही के महीने में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, पैदा किया, और मुहर्रम ही के महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल फरमाया। मुहर्रम ही के महीने में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी वो किनारे पर आई। मुहर्रम ही के महीने में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली से छुटकारा हासिल हुआ। मुहर्रम ही के महीने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के जो पीछे फिरौन लगा हुआ था तो उनको उससे छुटकारा मुहर्रम ही के महीने में मिला, और फिरौन जो दरिया में गर्क हुआ, डूब गया, वो महीना कौन सा था, मुहर्रम ही का था। मुहर्रम ही के महीने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और मुहर्रम ही के महीने में अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत फरमाए। मदीना क्या हुए, हिजरत फरमाए। तो ये सारा जखीरा किस में मौजूद है, मुहर्रम के महीने में। तो जब मुहर्रम के महीने में इतना बड़ा जखीरा मौजूद है तो मेरी गुजारिश ये है कि मुहर्रम के महीने को इस्लाम का पहला महीना करार दिया जाए।
हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को ये उनकी राय पसंद आई तो आपने उसी वक्त ऐलान कर दिया कि मुहर्रम के महीने से क्या होगा, साल का आगाज होगा। तो उस वक्त से लेकर अब तक भी क्या है, साल का आगाज मुहर्रम के महीने से। अब तो ये मुहर्रम के महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में बड़ी बरकतें अता फरमाई हैं। इस महीने के रोज़े रमज़ान के रोज़ों के बाद दर्जा रखते हैं, इस महीने के रोज़ों के। और इस महीने के रोज़े में से 10 मुहर्रम का रोज़ा, आशूरे का रोज़ा जिसे कहते हैं, उस आशूरे के रोज़े की फजीलत यह है कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा मुहर्रम के एक दिन का रोज़ा रखता है, यानी 10 मुहर्रम का आशूरे के दिन का रोज़ा रखता है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला गुज़िश्ता एक साल के गुनाह उसके माफ़ फरमाएंगे। खाली एक रोज़ा रखे तो समझ में आ रही है बात। हाँ, नबी अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए तो वहाँ पर आपने देखा कि यहूदी रोज़ा रखते हैं 10 मुहर्रम का। पूछे कई को रोज़ा रखती, तो बोले फिरौन से जो नजात मिली थी हजरत मूसा और बनी इसराइल को, उसके शुक्राने में हमें क्या कर दी, आशूरे का रोजा रख। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम तुम्हारे से ज्यादा ताल्लुक हमारा है हजरत मूसा से, वो भी अल्लाह के नबी थे, मैं भी अल्लाह का नबी हूं, वो हमारे भाई थे, तुम्हें रोजा रखती हमें हमारा ज्यादा हक बनता, हमें भी रोजा रखेंगे। आपने फरमाया कि क्या करेंगे, हमें भी आशूरे का रोजा। साथ में आपने ये भी इरशाद फरमाया के एक रोजा उन्हों रख रही, कौन, यहूदियां, हमें भी एक रोजा रख रही, लेकिन उनकी मुशाबात हो जाती है, उनके जैसा हमें भी करें जरा। उसके वास्ते बेहतर यह है कि 9-10 का रोजा, दो रोजे रख ले, 9 का 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम, यानी 10 मुहर्रम 11 मुहर्रम, 10 मुहर्रम से पहले का एक रोजा जोड़ ले या 10 मुहर्रम के बाद का एक रोजा। कई को बोलो मुशाबहत के वास्ते, यहूदियां से मुशाबहत नहीं रखना। आज हमारे हर अमल उनसे जाकर जुड़ जा रहा है, रोजे के बारे में उतना सोचे, लेकिन फुकहा फरमाते हैं कि आज के दौर में वो मुशाबहत खत्म हो गई है, यानी 10 मुहर्रम का रोजा यहूदियां रख रहे नहीं हो। अब तुम्हें खाली एक रोजा भी 10 मुहर्रम का रख लिया, अब जैसे मंगल का रोजा हमारे यहाँ क्या है, मंगल के दिन 10 मुहर्रम यानी आशूरे का दिन होता, एक रोजा भी अगर रख लिए तो मुशाबहत नहीं रही, एक रोजा भी आदमी रख सकता है, ठीक है। तो ये एक अमल ये है, अल्लाह ने इसमें यह फजीलत दी है। दूसरा, इस महीने में 10 मुहर्रम के दिन, आशूरे के दिन, आदमी अपने अहलोयाल पर खर्च करने में थोड़ा सा उसात करे, यानी जितना हर दिन खर्च करता नहीं उससे थोड़ा सा ज्यादा खर्च कर। इसका फायदा क्या है, अगर आदमी अपने अहलोयाल पर थोड़ा सा ज्यादा खर्च करता है तो अल्लाह साल भर उसकी रोजी में बरकत देते। अब रोजाना 200 रुपये खर्च करते थे घर के ऊपर, 250 रुपए खर्च कर डाले, 300 रुपए खर्च कर डाले, समझ में आ रहा है, खाली 50-100 रुपए बढ़ाने की वजह से अल्लाह साल भर की क्या करते हैं, बरकत देते। लेकिन शैतान करने देता नहीं, रोजा रखने भी देता नहीं और शैतान खर्च करने भी उसी दिन है, दूसरा डेम आपको दुनिया का खर्च करता जाको, लेकिन आशूरे के दिन खास तौर पर क्या नहीं करता, इन्हें खर्च नहीं करता शैतान, अच्छे अमल को उन्हें कबूल करने देता नहीं, याद रख लो, बात समझ में आ रही है। तो ये दो अमाल इसके हैं, किसके, आशूरे के दिन के, मुहर्रम के महीने के 10 जो तारीख हो। असल में हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र की मजलिस हर हफ्ता होती है, तो यहाँ जिक्र के बारे में बताया जाता है, तौबा के बारे में बताया जाता है, तो इस सिलसिले में ये बात जहन नशीन कर लें, अल्लाह ने आप सबको कबूल फरमाया है, नए साल के शुरू में आप आए हैं, साल के आगाज में, नए शुरू में आप आए हैं, तो एक आपकी गुज़िश्ता साल और गुज़िश्ता सालों की एक जिंदगी थी, अब अल्लाह ने आपको तौफीक दिए है आपके आगे की अच्छी जिंदगी गुजारने के, बात समझ में आ रही है। इसके लिए गुज़िश्ता जितनी जिंदगी के हमारे गुनाह हुए हैं उन सारे गुनाहों को धुलना है तो एक ही एक वाहिद रास्ता है, कौन सा, तौबा का, तौबा, तौबा करे तो गुज़िश्ता कितने गुनाह पूरे क्या हो जाती, धुल जाती, तो एक नई जिंदगी शुरू हो रही नहीं हमारी। अबे न्यू ईयर कर को, हैप्पी न्यू ईयर कर को, खुश होते रहती सभी, कई को एक साल हमारा नया शुरू हुआ पीछे का याद नहीं रखता। इस्लाम में खुशी मनाना नहीं है, किसमें, हैप्पी न्यू ईयर ये है वो है, उसमें सब खुशी नहीं, ये है खुशी कब मनाना, जैसे ही हमारे गुनाह धुल गए, जैसे आप नापाक रहता आदमी
जिसम में बदबू रहती है, मैल कुचेल रहता, सब रहता, उन्हें जैसा ही फुल अच्छा गुसल कर ले को, जबरदस्त मुंह की धो ले को, सब कर ले को, बाहर निकलते उन्हें क्या कहता, फ्रेश वगैरह में कर को, एक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, खुशी आती है। ऐसे ही गुनाह जो तौबा करने की वजह से धुल जाते हैं तो उसके चेहरे पर क्या होना चाहिए, खुशी। वाकई अगर हमारे गुनाह हमें सच्ची पक्की तौबा कर लिए तो ये हमारा नया साल हमारे लिए मुबारक है। बात समझ में आ रही है? नहीं हमें तौबा नहीं करे, रस्मन हमें चुप बैठे कलिमा पढ़े, दिल से क्या भी इरादा नहीं है गुनाह छोड़ने का, गुनाह छोड़ने का इरादा नहीं है, आगे गुनाह ना करने का इरादा नहीं है, चुप खामोखा बैठे करे तौबा कर ले को चले को, तो तौबा खुबली छोती। बात समझ में आ रही है? तो नया साल हमारा जब शुरू हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए, तौबा। जब तौबा करते हैं तो अल्लाह ऐसी जिंदगी देते हैं, ऐसी जिंदगी देते हैं कि अभी हमारी माओ ने हमको जना है, जब हमारी माँ हमको जनी थी तो उस वक्त हमारे दिल में एक रत्ती बराबर भी क्या नहीं था, गुनाह नहीं था, पाक थे नहीं हमें पाक। तो वैसा अल्लाह हमना तौबा के जरिए से कर देता, तो हमें आगे क्या करना, नमाज वाली जिंदगी गुजारना, कुरान वाली जिंदगी गुजारना, रोजे वाली जिंदगी गुजारना, जिक्र वाली जिंदगी गुजारना, तौबा वाली जिंदगी गुजारना, एक दूसरे की मदद करने वाली जिंदगी गुजारना। बात समझ में आ रही है? तो ये जिंदगी हमें एक नई, अल्लाह गोया क्या करे, हमने नई जिंदगी दिया क्या रिहान, हमने अल्लाह क्या करे हैं एक नई जिंदगी दिए हैं, तो नई जिंदगी को सही मानों में हमें गुजारने की फिक्र कब सब करेंगे इंशाल्लाह, तो तौबा कर लेंगे। उससे पहले एक दो तीन सवालात बच्चों से कर लेंगे कि तुमना क्या फायदा हुआ, कई दिनों से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र की मजलिस हर हफ्ता चल रही है, तो हफ्ते को जो जिक्र कर रही, इस जिक्र के से पहले तुम्हारी हालत कैसी, कुरान याद करने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती थी, अब आसानी से सबक सब याद हो जा रहा तुमना, तुमना क्या है फायदा, जिक्र करने से क्या फायदा हुआ तुमना, सबक अच्छा याद हो रहा, बोलो साथ, जिक्र करते हुए क्या हो रहा है, मजा आ रहा तुमना, पहले खेलने में मजा आता था, एक दूसरे को छेड़ने में मजा आता था, सबको भी बोल रहा हूँ सो नहीं, अब वो जिक्र करने में क्या हो रहा है, मजा आ रहा है। अबरार मगरिब के बाद जो सबक याद करती है तुम्हें, पहले 8:30-9 होता था, अब 8 घंटे को क्या हो जा रहा है, याद हो जा रहा। तो बहरहाल देखो इसमें कई फायदे, अपने अपने नजरियात के अतबार से बच्चे अपना अपना फायदा बयान करें, असल फायदा जिक्र से क्या है, अल्लाह मिलता है, कौन मिलता, अल्लाह राजी होते हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए हम जिक्र करते हैं, उसके तौफीक से उसकी बरकत से हमें बहुत सारे चीजें मिल जाती। तो बहरहाल तौबा के कलिमात पढ़ लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मग़फिरली ज़म्बी कुल्लहु वदिक़्क़हु वजिल्लहु वअव्वलहु वअख़िरहु वआख़िरहु वसिर्रहु वसिर्रहु वअलानियतहु वअलानियतहु, अल्लाहुम्मग़फिरली ज़म्बी ज़म्बी कुल्लहु कुल्लहु वदिक़्क़हु वदिक़्क़हु वजिल्लहु وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَآخِرَهُ وَسِرَّهُ وَسِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَعَلَانِيَتَهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ذَنْبِي كُلَّهُ كُلَّهُ وَدِقَّهُ وَدِقَّهُ وَجِلَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَآخِرَهُ وَسِرَّهُ وَسِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَعَلَانِيَتَهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ مَغْفِرَتُكَ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ أَوْسَعُ من ذنوبي من ذنوبي ورحمتك ورحمتك أرجى أرجى عندي عندي من عملي من عملي اللهم اللهم مغفرتك مغفرتك أوسع أوسع من ذنوبي من ذنوبي ورحمتك ورحمتك أرجى أرجى عندي عندي من عملي من عملي اللهم اللهم مغفرتك مغفرتك أوسع أوسع من ذنوبي من ذنوبي ورحمتك ورحمتك أرجى عندي عندي من عملي من عملي نستغفر الله نستغفر الله رب البرايا رب البرايا نستغفر الله نستغفر الله من الخطايا من الخطايا نستغفر الله نستغفر الله رب البرايا رب البرايا نستغفر الله نستغفر الله من الخطايا من الخطايا نستغفر الله نستغفر الله رب البرايا رب البرايا نستغفر الله نستغفر الله الخطايا من الخطايا